SAK कन्वेंशन हॉल। शादी जैसे भी हो, वलीमा हो, तो SAK कन्वेंशन हॉल में हो। मोहम्मद यासीन होम अप्लायंसेस होलसेल एंड रिटेल शॉप। SS कंसल्टेंसी, घर बनाए मजबूत, डिजाइनिंग भी। नाज़रीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। नाज़रीन, गुज़श्ता 2-3 दिनों से रायचूर शहर में कोहरा छाया हुआ है। सुबह 9 बजे के वक्त ऐसा लग रहा है कि सुबह 6 बज रहे हैं। सुबह 9 बजे के वक्त जब बच्चों को स्कूल ले जाया जा रहा है, उस वक्त ऐसा लग रहा है कि आज सुबह सुबह यानी 6 बजे के वक्त मॉर्निंग वॉक पर निकले हैं और बच्चों को उस वक्त स्कूल को ले जाया जा रहा है, लेकिन ये कोहरे की वजह से हो रहा है। जबकि हमारा शहर रायचूर बिस्लुनाडु यानी गर्मी का शहर, धूप का शहर कहलाता है, यहाँ पर तमाजत ज़्यादा रहती है। लेकिन गुज़श्ता 2-3 दिनों से रायचूर शहर में जो कोहरा छाया हुआ है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि ये शहर मलनाड के शहर में तब्दील हुआ है। और जिस तरह के हालात शिमोगा और चिकमंगलूर में होते हैं, वैसा ही नज़ारा रायचूर में भी देखने को मिल रहा है। आवाम सुबह सुबह इस हसीन नज़ारे से महसूस हो रही है और ऐसा लग रहा है कि मौसम बड़ा ही खुशगवार हो चला है, जिससे आवाम काफ़ी महसूस हो रही है। लेकिन ये महसूस होने का वक्त 9 बजे का है, उससे कबल यानी सुबह 7 बजे कोहरा इतना छाया हुआ है कि सामने का मंजर नज़र नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से सुबह के वक्त गाड़ी चलाना काफ़ी दुश्वार लग रहा है। गाड़ी चलाते वक्त ये भी खतरा लाख हो रहा है कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, क्योंकि रायचूर की आवाम को कोहरे की आदत नहीं है, जिसकी वजह से सुबह सुबह 7-6 बजे के वक्त गाड़ी लेकर निकलना खतरे से खाली महसूस नहीं हो रहा है। बावजूद आवाम सुबह के वक्त भी खैरखदमी के लिए निकल रही है और 9 बजे के वक्त खुशगवार मौसम से महसूस भी हो रही है।